पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होगा। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष और सरकार में तकरार तो जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को जब संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तो उस दिन एक और ऐतिहासिक घटना को दोहराया जाएगा। और यह ऐतिहासिक घटना 75 साल पुरानी है और इस घटना से 14 अगस्त साल 1947 की कहानी जुड़ी हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस घटना का हमारी प्राचीन सभ्यता से ताल्लुक है। इसके बाद गृहमंत्री ने सत्ता हस्तांतरण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया सेंगोल की कहानी बताई। अमित शाह ने कहा कि 14 अगस्त 1947 की रात लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु से आए विद्वानों से इस सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को कई नेताओं की मौजूदगी में इस सेंगोल को स्वीकार किया और स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सेंगोल है क्या? तो आपको बता दें कि राजदंड सेंगोल भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतीक है। जब अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी का ऐलान किया था तो सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल का इस्तेमाल किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में सत्ता के हस्तांतरण को लेकर नेहरू से सवाल पूछा कि सत्ता का हस्तांतरण आपको कैसे किया जाए। इसके बाद नेहरू ने सी राजगोपालाचारी से राय ली। उन्होंने सेंगोल के बारे में जवाहरलाल नेहरू को जानकारी दी और इसके बाद सेंगोल को तमिलनाडु से मंगवाया गया और राजदंड सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना। नए संसद भवन में सेंगोल स्पीकर के आसन के पास लगाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। आपको बता दें कि सेंगोल को इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखा गया था और अब नए संसद भवन में इसे ले जाया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।